हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे पीएचपी कोर का यूज़ करके एक क्रड एप्लीकेशन बना सकते हैं। बेसिकली क्रड एप्लीकेशन क्या होता है? सी मतलब क्रिएट, आर मतलब रीड, यू मतलब अपडेट, डी मतलब डिलीट। अगर तुम किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर को देखो तो इसमें हम ये चार फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। बेसिकली किसी भी फीचर को बनाने के लिए क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि पीएचपी कोर का यूज़ करके कैसे क्रड एप्लीकेशन बनाते हैं। तो अगर तुम सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें HTML और CSS आती है और PHP की बेसिक नॉलेज है। अगर नहीं है तो पहले जाकर सीख लो, और अगर नहीं आती फिर भी ओके ओके है, क्योंकि मैं इसमें हर एक फंक्शन, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे वर्क कर रहा है। तो या ये ईजी होगा तुम्हारे लिए बहुत, लेकिन मैं इसमें फ्रंट एंड नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है जो कि ये रहा। तो बेसिकली हमारा जो एप्लीकेशन होगा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है HTML CSS में। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दो लिंक मिलेंगे, पहला लिंक होगा जिसमें सिर्फ फ्रंट एंड हो रखा है और दूसरा लिंक होगा जिसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट हो रखा है। तो तुम फ्रंट एंड वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कंप्लीट वाला मैं तुम्हें सलाह दूंगा बाद में डाउनलोड करना, पहले खुद से ट्राई कर लेना, नहीं समझ में आया तो कंप्लीट वाला ट्राई करना। बट दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम्हें अगर चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फ्रंट एंड है। बेसिकली मैं यहाँ पर कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड मेरा फेवरेट कोड एडिटर है। इसमें दो फाइलें हैं, index.php, main.css। तो मैं ये बात तुम्हें बता दूँ कि कभी भी हम जब भी PHP पे काम करते हैं तो PHP का कोड जिस भी फाइल में लिखा है वो इंडेक्स या जो भी फाइल नेम तुम देना चाहो .php एक्सटेंशन के साथ रहेगा। यानी कि .html लिख रहे हो और उसके अंदर PHP का कोड लिख रहे हो तो एज अ टेक्स्ट शो होगा। PHP के कोड के लिए तुम्हें .php लगाना पड़ेगा एंड में, जैसे कि मैंने इस फाइल के अंदर लगाया है, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे HTML और अपना जो भी है यहाँ पे लिख रखा है, ये रहा स्टाइल शीट। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हें डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ब्राउजर में खोल लेना, अपने जैम सर्वर पर सेटअप कर लेना। अगर जिसको नहीं पता जैम सर्वर क्या होता है, तो जैम सर्वर बेसिकली तुम्हारे सिस्टम पे एक लोकल सर्वर क्रिएट करता है जहाँ पे तुम PHP रन कर सकते हो, क्योंकि PHP को तुम नॉर्मली ऐसे ब्राउजर में डायरेक्ट ओपन करके नहीं रन कर सकते, इसके लिए तुम्हें एक लोकल सर्वर चाहिए होता है। तो जैम डाउनलोड कर लो, फ्री में अवेलेबल है। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें Apache और MySQL को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद htdocs नाम के फोल्डर के अंदर अपना, बेसिकली htdocs कहाँ होता है, तो htdocs अगर तुम अपना माई कंप्यूटर खोलो तो वहाँ पे जाओगे सी में, सी के अंदर देखोगे जैम का एक फोल्डर बना था, उसके अंदर htdocs होता है। यहाँ पे तुम अपने सारे प्रोजेक्ट रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है क्रड ऐप, ठीक है, ये रहा, जिसको फिर मैं बाद में यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ localhost/crud-app। तो आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई होंगी। याद रखना कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, नीचे कॉमेंट जरूर करना, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करूँगा। तो ये बेसिकली हमारा क्रड एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है, ठीक है। हम इसको थोड़ा अब इसके बैक एंड में जाते हैं। तो बेसिकली बैक एंड का भी मैंने कोई काम नहीं किया है। तो बैक एंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना है। तो मैं डेटाबेस कैसे बनाऊंगा, तो डेटाबेस लोकल सर्वर पर क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है, localhost/phpMyAdmin, ठीक है। तो मैं localhost/phpMyAdmin पे जाऊंगा एंड ये लोड हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ओके इट्स लोडिंग, इट्स ओपन। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक्चुअली जूम आउट हो रखा है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस नेम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे सिंपली दे देता हूँ क्रड ऐप एंड क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देता हूँ रिकॉर्ड्स, ठीक है, एंड गो कर देता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हें डिपेंड करता है कितने कॉलम्स के अंदर देना चाहते हो, मैंने ऐसे रैंडम दिया। अब यहाँ पे देखो हमें किस किस चीज़ों की जरूरत है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी। यहाँ पे तीन कॉलम हमें चाहिए और एक आईडी चाहिए होगा जिससे हम उसको सीरीज कर सकें। तो आईडी बेसिकली इंट वेरिएबल का रखेंगे जिसकी लेंथ हम नहीं देंगे, पर इसको ऑटो इंक्रीमेंट में रखेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब जैसे जैसे डेटाबेस में हम डेटा ऐड करते जाएं ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, हमें करने की जरूरत नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। दूसरा जो है फर्स्ट नेम, ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम एंड थर्ड फाइनली ईमेल आईडी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी वार कैरेक्टर्स में होंगे जिनके मैक्सिमम साइज होती है 255, तो
तो मैं इन तीनों को वार कर कर देता हूँ एंड देन 255 इनकी लेंथ दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पांच चार कॉलम्स बनाए, आईडी जो कि इसको सीरियलाइज करेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी। तो इसको बनाने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सेव पे क्लिक कर दिया तो हम देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्रड ऐप डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड नाम का एक टेबल बन चुका है जिसके अंदर ये सारे कॉलम्स हैं। तो हमने डेटाबेस सक्सेसफुली बना लिया। अब हमारा काम क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पे ब्राउज में जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ डिफॉल्ट मोनो गिरे ईमेल एड्रेस मोनो गिरे एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे आईडी के अंदर कुछ नहीं डिफाइन किया है, मैं यहाँ पे गो करूंगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखोगे आईडी में ऑलरेडी वन, ऑटोमेटिकली वन आ गया, फर्स्ट नेम में मोनू आ गया, लास्ट नेम में गिरी आ गया, ईमेल आईडी में मोनू गिरी आ गया। मैं यहाँ पे एक और डेटाबेस एंट्री करा लेता हूँ। अब भी देखोगे मैंने आईडी में कुछ इंसर्ट नहीं किया, मैं फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम है, सो या एंड ईमेल आईडी इज लाइक एंड देन गो सिंपल। मैं वापस ब्राउज में जाता हूँ, तुम देख सकते हो यहाँ पे टू आ गया। तो ऐसे इंक्रीमेंट होता रहेगा, हमें आईडी में डालने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 जैसे जैसे डालेंगे। और यहाँ पे तुम देख सकते हो डेटा आ गया। तो हमने यहाँ पे दो डेटा यहाँ पे इंसर्ट करा लिए डायरेक्ट, पर हमें ये डायरेक्ट नहीं कराना है, हम इस फॉर्म के थ्रू कराना चाहते हैं, तभी तो क्रेड एप्लीकेशन बिहेव करेगा ना। तो हम अब इस पर काम करते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ db.php, ठीक है, db.php देता हूँ। php का कोड लिखने से पहले सबसे पहले हमें लिखना होता है लेस देन साइन क्वेश्चन मार्क php एंड क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन साइन, ठीक है। तो हमें ये लिखना है, हम php का जो भी कोड है ये इसके अंदर लिखेंगे। तो दो चीज़ें याद रखनी है, php की जो फाइल है वो php का फाइल नेम .php होगा लास्ट में एक्सटेंशन, और हम php का कोड इन दोनों के बीच में लिखेंगे। तो मैं दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, तो आई गेस अब तुम्हें दिख रहा होगा अच्छे से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको db इक्वल टू, अब इसके अंदर हमें एक फंक्शन यूज़ करना है जो कि MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, MySQLi_connect। अब इस फंक्शन के अंदर हमें कुछ सेमी कॉलम लगा देता हूँ यहाँ पे। इस फंक्शन के अंदर हमें चार चीजें पास करनी है, सबसे पहले होस्ट जो कि है लोकल होस्ट, उसके बाद हमें पास करना है यूजर नेम जो कि है रूट, डिफॉल्ट रूट होता है, ठीक है, लोकल होस्ट पे। पासवर्ड नहीं लगा रहता तो मैं पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ दूंगा। एंड लास्ट एंड फाइनल डेटाबेस का नाम। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाया था क्रड ऐप, तो मैं यहाँ पे यही नाम इसको देता हूँ क्रड ऐप, और मैं इसके आगे लिख देता हूँ और डाई डेटाबेस इज नॉट कनेक्टेड। तो अगर डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा तो कुछ नहीं शो होगा, बट अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा तो ये एरर शो करेगा डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। तुम देख सकते हो कोड को, ठीक है, कोड को देख सकते हो। अगर तुम्हें यह कोड देखने में मुश्किल हो तो डिस्क्रिप्शन में जैसे बताया लिंक है, तुम वहाँ से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो हमने डेटाबेस यहाँ पे बना लिया है सक्सेसफुल्ली। तो अब हम ज़रा एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि डेटाबेस कनेक्ट है कि नहीं, db.php। तो तुम देख सकते हो मैं कुछ शो नहीं हो रहा, यानी डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर तुम देखो, अगर मैं डेटाबेस का नेम गलत दे दूँ तो यहाँ पे एरर शो होगा डेटाबेस इज नॉट कनेक्टेड, या तो हमारा कोड वर्क कर रहा है। यहाँ पे वापस से नाम सही कर देता हूँ एंड देन रिफ्रेश करता हूँ, डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन बना लिया है। अब इसको यूज करके हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो है रीड का काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे index.php में जाता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं हमें किस टेम्पलेट को रिपीट करवाना है। बेसिकली हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, तो ये वाला जो बॉक्स है इसी के अंदर हमारी सारी डिटेल्स जैसे कि देख सकते हो तुम यहाँ पे आ रही है। तो चलो हम इसी के अंदर सारा काम करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे, तुम PHP को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बस तुम्हें ये चीज़ें लिखनी है, इसके अंदर ही तुम PHP का कोड लिखोगे। तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ सबसे पहले क्वेरी, जिसको मैं लिखता हूँ गेट क्वेरी या एक्चुअली रीड क्वेरी। अब इसके अंदर हमें MySQL की क्वेरी लिखनी है, तो बेसिकली रीड करने के लिए क्वेरी होती है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, अब यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है। तो टेबल का नाम तुम यहाँ पे देख सकते हो, हम लिखा है रिकॉर्ड्स, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड्स, बस ये क्वेरी होगी सिंपल सी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस क्वेरी को रन कराना है, रीड रन MySQLi क्वेरी, ये दूसरा फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी है, पहला डेटाबेस का नाम DB और दूसरा क्वेरी रीड क्वेरी। पर तुम देखोगे $DB तो अभी इसे मिल नहीं रहा होगा क्योंकि हमने तो ये अलग फाइल में बनाया, तो हम इसको इसमें लिंक कर लेते हैं। अब लिंक करने के लिए हमें क्या करना है, तो बेसिकली तुम इसको कहीं भी लिंक कर सकते हो, बट मैं सबसे ऊपर ही लिंक करना प्रीफर करता हूँ तो मैं यहीं पर करूँगा। तो इंक्लूड करने के लिए हमें एक फंक्शन यूज़ करना होता है इंक्लूड, ठीक है। अब इसके अंदर हम उस फाइल का एड्रेस डालेंगे, सेम डायरेक्टरी में, इसलिए मैं सिर्फ फाइल का नाम लिख रहा हूँ, लेकिन अगर वो अंदर किसी फोल्डर में होता तो मैं ऐसा लिखता फोल्डर नेम स्लैश फाइल नेम, बट वो सेम में है तो इसलिए मैं db.php लिख रहा हूँ एंड जस्ट सेव इट। तो अब इसको डेटाबेस मिल रहा होगा। तो बेसिकली क्या है कि इसने क्या रिटर्न किया होगा, अब हमें इसको एक लूप में रन कराना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल लूप, जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे डेटा इज इक्वल टू MySQLi फेच एरे, और एरे के अंदर हम पास करेंगे वेरिएबल क्वेरी वाला रीड रन, ठीक है। तो बेसिकली तुम इस चीज़ को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया रीड क्वेरी, जिसके अंदर हमने लिखा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड। देन हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया रीड रन, जिसके अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया है MySQLi क्वेरी, जिसके अंदर दो वेरिएबल पास किए हैं DB ताकि वो डेटाबेस से कनेक्ट हो सके एंड रीड क्वेरी ताकि वो उस डेटाबेस के अंदर इस क्वेरी को रन कर सके। उसके बाद बेसिकली हमने ये लूप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अगर हम इस चीज़ को अगर बाहर लिखते तो देखो क्या होगा, जैसे कि मैं इसको उठाता हूँ, ठीक है, एंड देन इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, प्रिंट आर करा देता हूँ, ठीक है, और इस चीज को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब तुम देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न हुआ है हमारे डेटाबेस से, बट तुम देखोगे कि यहाँ पे हमने डेटाबेस में दो रिकॉर्ड शो कराए थे पर यहाँ पे एक ही शो हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको लूप में चलाते हैं, ठीक है। बस यही फंडा है, तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है, और इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि डेटा के अंदर ये रन कराता रहेगा जब तक इसको यहाँ से डेटा मिलता रहेगा, तो ये डेटा के अंदर स्टोर कराएगा, हम वाइल लूप के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इको डॉलर डेटा, तो ये एक तरह का एरे रिटर्न कर रहा है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा इसको इसके, अब एक चीज़ तुम्हें पहले बता देता हूँ, पहले इसको मैं प्रिंट आर फंक्शन में प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट आर, अब इसके अंदर मैं डॉलर डेटा को प्रिंट करा देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो तुम देखोगे अब हमारे पास दोनों रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फर्स्ट नाम डाल देता हूँ, ये मेरे दूसरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है एंड ईमेल आईडी gmail.com एंड जस्ट गो
एंड देन मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो तुम देखोगे यहाँ पे तीनों रिकॉर्ड आ गए। तो जितने रिकॉर्ड होंगे वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आप शो होंगे, क्योंकि हम इसे लूप कर रहे हैं, जब तक उसे डेटा मिलता रहेगा वो लूप चलाता रहेगा। ठीक है, तो वाई लूप यही होता है कि जब तक डेटा को ये मिल रहा है तब तक के अंदर लूप चलाता है। तो हम इसके अंदर देखोगे तो हमारे पास एरर रिटर्न हो रहा है। अभी ये थोड़े अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे हम प्री एचटीएमएल टैग का यूज करते हैं जो कि प्रीव्यूज के लिए होता है, ठीक है, ताकि थोड़ा तमीज से शो हो। ओके, अब ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली एरे सीरियलाइज भी है इंडेक्सेस में, और हम इसको एसोसिएटिव एरे की तरह भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे नेम लिखेंगे उसकी वैल्यू हमें रिटर्न होगी, तो हम नेम लिख के इसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ इको डॉलर डेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, मैं ये जो अगर इंडेक्स की वैल्यू लूंगा, जैसे मेरे को चाहिए मान लो ईमेल आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल आईडी, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ प्रिंट आर को, तो तुम देखोगे कि हमारे पास तीन ईमेल आईडीज आ गए। तो इसी तरीके से हम ये पूरे लूप को चलाएंगे। तो चलो अब मैं इस सबको हटा देता हूँ, हटा नहीं देता एक्चुअली, कमेंट कर देता हूँ, समझ तो गए होगे तुम, है ना। तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इसको ये जो नीचे हमने ये डी आई बनाया इसको लूप में चलाना है। तो हम ये कैसे करेंगे, तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस इधर है और ये है पीएचपी। अब इसके बीच में जो भी एचटीएमएल है नॉर्मली लिख सकते हैं, हमें इक्वल लगा के लिखने की जरूरत नहीं है, और वो चीज़ लूप में चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पूरे को उठा के यहाँ से कट करता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके, एंड देन सेव करता हूँ एंड देन रिफ्रेश करता हूँ। तो तुम देखोगे यहाँ पे तीन सेम चीज़ अलग अलग शो हो रही है। अब मैं बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पीएचपी का यूज़ करना है। तो पीएचपी का अगर सिंगल वेरिएबल लिखना है तो उसके लिए एक शॉर्ट हैंड होता है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम बीच में इक्वल टू का साइन लगाएंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे एंड देन यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। मैं सेम चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ अगेन एंड देन स्पेस देन पेस्ट देन लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे हमने दो लिख दिया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तुम देख सकते हो यहाँ पे ओके गोस्वामी हमने हटाया नहीं एंड से सॉरी फॉर दैट, आई एम गोना रिमूव इट एंड सेव इट, रिफ्रेश इट अगेन, देख सकते हो बेहतर तरीके से शो हो रहा है। अब सेम चीज़ हमें ईमेल आईडी के साथ करनी है, तो मैं ईमेल आईडी के साथ भी यही करूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन डॉलर डेटा ईमेल आईडी। अब बहुत लोगों की कन्फ्यूजन हो रही होगी मैं इसको ऐसे डायरेक्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली इतने पोर्शन को ध्यान से देखो। बेसिकली ये लिखना का मतलब होता है तुमने यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट पीएचपी एंड के बीच में ईको लिखा और फिर तुम इसे ईको करवा रहे हो, तो इसको लिखने का शॉर्ट हैंड है, ठीक है। तो इसको गूगल कर लेना या तो नीचे कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो, वैसे तो नहीं होनी चाहिए। तो मैं बेसिकली इसको सेव करता हूँ एंड देन रिफ्रेश करता हूँ, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे हमने डेटा सक्सेसफुली रीड कर लिया है, ठीक है। अब जो हमें दूसरा काम करना है वो हम नो डेटा अवेलेबल अभी भी शो हो रहा है, तो बेसिकली इसको एक्चुअली इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोग्री शिवम सेठ सुधांशु कुमार शो हो रहा है सक्सेसफुली डेटा। तो अब हम यहाँ पे ऐड टू डेटाबेस कर रहे हैं तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है, ना ही कुछ हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेटाबेस ऐड हो जब भी हम यहाँ पे लिख के कुछ ऐड करें। चलो हम उसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं ऐड डॉट पी एच पी, ठीक है, यहाँ हम एक फाइल बना लेते हैं, हाँ ऐड डॉट पी एच पी ठीक रहेगा, ऐड डॉट पी एच पी, इसके अंदर हमने ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे एक ये जो फॉर्म है फॉर्म वाले एरिया में, इस फॉर्म वाले एरिया को थोड़ा अलग ही हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखे साफ साफ, ठीक है। तो ये फॉर्म एरिया है जो मेनली वर्क कर रहा है इस चीज़ के लिए। तुम देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नेम ईमेल आईडी ऐड टू डेटाबेस, बट अभी इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है कि कोई भी फॉर्म होता है वो दो तरह की रिक्वेस्ट भेजता है, गेट और पोस्ट।
गेट जो होता है ये यूआरएल में शो होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मान लो नेम, अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और ब्लैंक इसलिए शो हो रहा है कि मैंने यहाँ पे नेम्स डिफाइन नहीं किए। मैं बेसिकली यहाँ पे नेम डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम, ठीक है, सेम इसके लिए नेम, लास्ट नेम, दो आ गए सॉरी, सेम इसके लिए यूनिक होने चाहिए, ईमेल आईडी एंड सेम इसके लिए ऐड, ठीक है। अब तुम अगर देखो, अगर मैं अब यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, पहले तो पेज को रिफ्रेश करो, ठीक है। देन अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मान लो कुछ भी रैंडमली, ठीक है ठीक है, एंड देन ऐड टू डेटाबेस करते, तुम देखोगे कि ऊपर यूआरएल में सारा डेटा जा रहा है। तो ये होता है गेट मैथड, जो कि फॉर्म का डिफॉल्ट होता है, पर हम गेट नहीं करना चाहते। मान लो तुमने पासवर्ड लिखा, वो यूआरएल में दिखा, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे मैथड चेंज कर सकते हैं, मैथड एट्रीब्यूट का यूज़ करके, जिसमें हम लिखेंगे पोस्ट, एंड देन हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो भी पास करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ जो भी, तो ये पास होगा, पर ये यूआरएल में नहीं होगा, ये एक पोस्ट मेथड में होगा, सॉरी ईमेल आईडी चाहिए इसको, देख सकते हो। तो ये अभी यहाँ पे नहीं पास होगा। तो बेसिकली अब हम इसको एक पेज पे रिडायरेक्ट कराएंगे, एक्शन जिसके जिसको हम एक्शन की मदद से रिडायरेक्ट कराएंगे। एक्शन एट्रीब्यूट लिखा फॉर्म मैंने, अब यहाँ पे मैं उस पेज का नाम लिखूंगा जिसपे मैं रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ, जो कि है एड डॉट पी एच पी, जो कि अभी हमने बनाया जस्ट, ठीक है। तो ऐड डॉट पी एच पी, और यहाँ पे मैं बेसिकली, तुम देख सकते हो यहाँ पे इनपुट टाइप नेम यहाँ पे जा रहा है ऐड, ठीक है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस पेज पे जा क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट आर करा लेता हूँ, किसको, डॉलर पोस्ट को, एंड देन मैं इसको सेव कर देता हूँ। एंड देन मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ अगेन, ठीक है, तो रिफ्रेश इट। अब यहाँ पे मैं मान लो कोई भी डेटाबेस पास कर रहा हूँ, जैसे मैं अपना नेम पास करता हूँ एंड कोई भी रैंडम ईमेल आईडी पास करता हूँ, देन क्लिक ऑन ऐड टू डेटाबेस। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे क्रड ऐप ऐड डॉट पी एच पी पे रिडायरेक्ट होगा, और यहाँ पे सारा डेटा एरे के फॉर्म में दिख रहा है, एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में दिख रहा है ना। तो बेसिकली हम इसी का यूज करके डेटाबेस में अब ऐड करवाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ इज सेट, इफ सेट डॉलर पोस्ट ऐड। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन ये चेक कर रहा है कि जो हमने क्लिक किया है, मतलब ऐड, मतलब जाहिर सी बात है अगर हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ही ऐड की वैल्यू पोस्ट में आएगी। तो हमने चेक किया अगर ऐड पे क्लिक करें तो ही अंदर की चीज परफॉर्म। मान लो कोई रैंडमली अगर इसको खोल रहा है डॉट पीएचपी को, तो डेटाबेस ऐड नाउ ब्लैंक, इसके लिए हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर क्लिक हुआ हो बटन पे तो ही अंदर की चीज रन। इफ कंडीशन लगा दिया हमने, अब यहाँ पे हम लिखेंगे। अब तुम देखो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट आर लिखता हूँ, ठीक है, एंड डॉलर पोस्ट लिखता हूँ, मैं सेव करता हूँ, और अगर मैं इस पेज को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो तुम देखोगे यहाँ पे ब्लैंक खुलेगा डायरेक्ट, अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो। पर अगर मैं इसको फॉर्म के थ्रू एक्सेस करूँ तब यहाँ पे डेटा आएगा। तो यही चीज़ मैं बता रहा था, तो यही चीज़ हमने की, ठीक है। तो हमारे पास अब डेटा आ रहा है सारा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेरिएबल्स बना लेता हूँ, फर्स्ट नेम जिसमें मैं स्टोर करा लेता हूँ डॉलर पोस्ट, देख सकते हो फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ लास्ट नेम, ठीक है, जिसके अंदर मैं स्टोर कराता हूँ पोस्ट लास्ट नेम, ठीक है। मैं तीसरा बनाता हूँ ईमेल आईडी, जिसके अंदर मैं स्टोर करा लेता हूँ डॉलर पोस्ट ईमेल, देख सकते हो ईमेल आईडी, ओके। तो हमने यहाँ पे तीनों वेरिएबल में डेटा स्टोर करा लिया फॉर्म के डेटा से, ठीक है। अब बेसिकली हमें यहाँ पे फिर से क्वेरी बनानी है। अब इस वेरिएबल का मैं नाम रखता हूँ क्रिएट क्वेरी इज इक्वल टू। अब बेसिकली हमें इसमें क्या लिखना है, इसमें हमें एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है, जो कि है इंसर्ट
इनटू टेबल का नाम जो कि है रिकॉर्ड्स। अब हमें लिखना है कि हमें किस किस वैल्यू में डेटा इंसर्ट करानी है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी। हमें इन तीनों में वैल्यू इंसर्ट करानी है। मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा क्लियर महसूस हो। तुम्हें पता होगा हम इसे दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा वैल्यूज, तुम इसको इस वैल्यूज वाली लाइन को यहाँ इसके आगे भी लिख सकते हो, पर ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, कॉन्कैटिनेट करके देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यूज, अब इसके अंदर मैं वैल्यू पास करूँगा, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर तुम वेरिएबल को डायरेक्ट लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर फर्स्ट नेम, डॉलर लास्ट नेम, सॉरी डॉलर ईमेल आईडी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी कंप्लीट कर ली है। तो अब हम करेंगे क्या, हम एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लिखूंगा रन, सॉरी क्रिएट रन, क्रिएट रन इज इक्वल टू सेम MySQL वाई क्वेरी, ठीक है, MySQL वाई क्वेरी। अब इसके अंदर हम दो चीज़ें पास करनी है, तो हमने यहाँ पे अभी डेटाबेस इंक्लूड नहीं करा रखा है, तो मैं यहाँ पे वापस से डेटाबेस इंक्लूड कर लेता हूँ। सेम फाइल में है, सेम डायरेक्टरी में है, इसलिए मैं db.php लिखूंगा, ओके। एंड यहाँ पे हमें दो चीज़ें पास करनी है, सबसे पहले डेटाबेस db जो कि वेरिएबल मैंने बनाया था डेटाबेस db.php के अंदर, और दूसरा क्वेरी जो कि है क्रिएट क्वेरी। तो अब बेसिकली हम यहाँ पे क्रिएट करवा रहे हैं, तो ये फंक्शन अगर क्रिएट करेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इफ डॉलर क्रिएट रन ट्रू है, ठीक है, तो क्या हो, तो हो ये कि इको हो जावास्क्रिप्ट तो इको हो यहाँ पे, मतलब इको करवा लेते हैं कि डेटाबेस एडेड, ठीक है, एल्स इको हो डेटाबेस नॉट एडेड, सेव, ठीक है। सो लेट्स रिफ्रेश इट, तो यहाँ पे देख सकते हो डेटाबेस एडेड है। मैं अगर यहाँ पे अपना डेटाबेस रिफ्रेश करता हूँ, ब्राउज पे क्लिक करके, तो तुम यहाँ पे देखोगे नीचे यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, डेटाबेस एडेड। तो बेसिकली हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, तो अब हम चाहते हैं कि ऐड होने के बाद ये रिडायरेक्ट हो जाए मेन पेज पे, तो हम यहाँ पे रिडायरेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ, तुम PHP हेडर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे जावास्क्रिप्ट इसलिए पसंद है कि ग्लिच नहीं आता, बहुत बार हेडर फाइल का यूज़ करने से थोड़ी दिक्कतें आती हैं। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे विंडो लोकेशन डॉट HREF तो तुम देख सकते हो यहाँ पे डेटाबेसेस नीचे ऐड हो गए, है ना। एक चीज़ करते हैं, एक्चुअली हम जो डेटाबेस लेटेस्टली एडेड होता है उसको सबसे ऊपर रखते हैं ताकि हमें आसानी है। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है, हमें index.php में जाएंगे, ठीक है, यहाँ के यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे ये है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड्स, इसके आगे हम लिखेंगे ऑर्डर बाय DESC, मतलब ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर आईडी, ऑर्डर बाय, सॉरी, जो हमने आईडी यूज किया उसको यहाँ यूज करेंगे ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में। रिफ्रेश करेंगे तो तुम देख सकते हो अब हम जो लेटेस्टली अब ऐड कर रहे हैं वो ऊपर शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ सुमन,
गुप्ता एंड सुमन एट द रेट gmail.com। मैं यहाँ पे ऐड टू डेटाबेस करता हूँ, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे सुमन गुप्ता ऐड हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्रिएट भी कर लिया, हम क्रिएट कर पा रहे हैं, हम रीड कर पा रहे हैं। अब जो हम अगला फंक्शन बनाएंगे वो है डिलीट का। ठीक है, हम डिलीट करेंगे, अपडेट हम सबसे लास्ट में बनाएंगे तो, क्योंकि वो सबसे मज़ेदार चीज़ है। तो अब हम डिलीट का बनाएंगे, तो बेसिकली हम डिलीट के लिए क्या करेंगे, डिलीट के लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसको मैं लिख देता हूँ delete.php। ठीक है, और यहाँ पे सेम जो हमने ऐड के लिए किया था, यहाँ पे हम इफ लगाएंगे, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ इस सेट। अब यहाँ पे बेसिकली हम डिलीट करेंगे गेट का यूज करके, मैं यहाँ पे डॉलर बनाऊंगा देन गेट। तुम पोस्ट का भी यूज कर सकते हो बट मैं यहाँ पे गेट यूज करूंगा। डिलीट सेट है अगर तो ये चले, अब तो इसमें चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी में आते हैं। हमें डिलीट करने के लिए सिर्फ उस रो की, अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये डेटाबेस बेसिकली रोज हैं और हर रो की एक आईडी है, तो हमें एक आईडी चाहिए जिससे हम पूरा डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको हमें डिलीट करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिंक बनाएंगे ahref जिसके अंदर मैं डिलीट डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क डिलीट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, शॉर्ट हैंड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू डॉलर डेटा डिलीट और सॉरी आईडी। ठीक है, और इस बटन वाली चीज को हम यहां से कट करके लिंक के अंदर रख देते हैं, सेव कर लेते हैं। अब तुम देखोगे, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और डिलीट पे जब तुम होवर करोगे तो नीचे देखोगे लिंक आ रहा है डिलीट डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क डिलीट सिक्स। ठीक है, आ रही है ना, तो मान लो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो तुम यू आर पे देख सकते हो डिलीट डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क डिलीट इक्वल टू 5 आ चुका है। तो मैं अब जरा यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट आर डॉलर गेट, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे एरे पे हमारे पास डिलीट के अंदर वेरिएबल आ रहा 5। तो बेसिकली अब यहाँ पे मैं क्वेरी बनाता हूँ, डिलीट क्वेरी, इसके अंदर मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम रिकॉर्ड्स वेयर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल पे आईडी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आईडी को स्टोर करा लेते हैं जो कि हमें डिलीट के थ्रू आ रही है। ठीक है, सेम पोस्ट वाला सीन है हम यहाँ पे ये एसोसिएटिव वेरिएबल का की लिखेंगे, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, तो हम उसे आईडी में स्टोर कराया था। हम यहाँ पे क्वेरी लिख रहे हैं डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड्स वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी। अब इसमें मैं सिंगल कोटेशन वेरिएबल के आगे पीछे नहीं लगा रहा, क्योंकि एक इंटीजर है, इंटीजर को सिंगल कोटेशन है किसी भी कोटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक नंबर है। स्ट्रिंग या कैरेक्टर को हमें कोटेशन मार्क के अंदर लिखना पड़ता है, जैसे ऐसे ऐसे, पर ये क्योंकि एक वेरिएबल है, एक नंबर है, तो हम इसे बिना कोटेशन मार्क के लिखेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, और अगर तुम्हें क्वेरी समझने में दिक्कत हो रही है तो तुम यहाँ पे अगर यहाँ पे आओगे एसक्यूएल पे, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल पे क्लिक करना, यहाँ पे देख सकते हो नीचे हर चीज़ का क्वेरी लिखा है, तो तुम्हें आप देख सकते हो सिलेक्ट फ्रॉम डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड्स वेयर जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं सिंपल, तो तुम यहाँ से भी मदद ले सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट हर एक चीज़ की यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर रखी है, तो तुम्हें कोई दिक्कत हो तो यहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, अब यहाँ पे बेसिकली हमें इस क्वेरी को रन करना है, तो मैं यहाँ पे एक रन क्वेरी लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं फंक्शन लिखता हूँ MySQLi क्वेरी। अब सेम हमें यहाँ पे डेटाबेस में पहले लिंक करना पड़ेगा, इंक्लूड,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी बी डॉट पी एच पी एंड सेव करता हूँ। और यहाँ पे मैं पास करता हूँ डी बी स्लैश और फिर डिलीट क्वेरी। ओके सो सिंपली ये भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो मैं लिख देता हूँ इफ डॉलर रन क्वेरी देन ट्रू होगा तो जैसे बात है रन हो रिकॉर्ड डिलीटेड एल्स इको हो रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो हम देख सकते हो रिकॉर्ड डिलीटेड लिखा आ गया, मतलब ये रिकॉर्ड डिलीट होगा। मैं प्रिंट वाले गेट को कमेंट कर देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं ऐड में जाता हूँ और यहाँ पे जो हमने ये इको किया इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और डिलीट डॉट पी एच पी में आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव इट रिफ्रेश इट ठीक है। तो मैं पेज खोलता हूँ तो तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये मोनो की बेरा है, मैं इसको डिलीट करूंगा तो तुम देख सकते हो यहाँ से ये डिलीट हो चुका है। मैं सुमन गुप्ता को डिलीट करूंगा, तुम देख सकते हो यहाँ से सुमन गुप्ता डिलीट हो गया। मैं मोनोगी को डिलीट करूंगा, तुम देख सकते हो यहाँ से डिलीट हो गया। और ये सारी चीज़ें डेटाबेस के अंदर भी चेंज हो रही होंगी जैसे कि तुम्हें पता है। तुम देख सकते हो तो हमें दो ही डेटा यहाँ पे अवेलेबल है जो कि यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। तो हमने तीन चीज़ें बना ली, रीड क्रिएट एंड डिलीट। अब जो चौथा एंड लास्ट चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपडेट का। तो अब हम अपडेट के लिए फीचर बनाएंगे। तो अपडेट के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, हम यहाँ पे सेम इंडेक्स डॉट पी एच पी में जाएंगे और यहाँ पे हम एक और लिंक बनाएंगे। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, मुझे पता है कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है दिखने में, बट तुम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लो, उसकी मदद ले सकते हो अगर तुम्हें यहाँ से समझने में दिक्कत हो रही है तो। अच्छा ये मैंने बड़ा कर रखा है साइज फॉन्ट का ताकि तुम्हें दिखे साफ साफ, इसके वजह से हो रहा है। मैं इसको एक्चुअली बंद कर देता हूँ साइड वाले को, जगह बचेगी ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिंक बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखता हूँ एडिट डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क अपडेट। एक्चुअली एडिट को मैं अपडेट लिख देता हूँ, अपडेट अपडेट, और इसके अंदर इक्वल टू डाल के मैं सेम इस फाइल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हमें अपडेट करने के लिए भी सिर्फ आईडी की ज़रूरत है। और इस लिंक के अंदर मैं इस बटन को मूव कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब तुम देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे एडिट पे होवर कर रहा हूँ तो अपडेट के आगे आईडी लिखी आ रही है, और डिलीट पे होवर कर रहा हूँ तो डिलीट के आगे आईडी लिखी आ रही है। यही हमें चाहिए था ठीक है, ठीक है एडिट एंड डिलीट। ओके सो चीज़ें वर्क कर रही हैं, मैं एक काम करता हूँ इसको भी डिलीट करके देखता हूँ, वर्किंग फाइन। यहाँ पे एक और डेटा ऐड करके देखता हूँ, ऐड टू डेटाबेस, ऐड हो रहा है ठीक है। तो ऐड हो रहा है डिलीट हो रहा है। अब मैं तो हम अभी यहाँ पे अगर एडिट पे होवर करें तो तुम देख सकते हो अपडेट डॉट पी एच पी एंड अपडेट इज इक्वल टू 7 ऐसा कुछ आ रहा है। तो अभी हमने बनाया नहीं है अपडेट डॉट पी एच पी, तो पहले हम फाइल को बना लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे न्यू करेंगे अपडेट डॉट पी एच पी फाइल बनाएंगे, और ये काफ़ी कुछ ऐड डॉट पी एच पी जैसा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से पूरा कोड कॉपी करेंगे और अपडेट डॉट पी एच पी में पेस्ट कर देंगे। हमें चेंज इसमें यह करना है कि यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे ठीक है अभी के लिए, और बाकी सारी चीज़ें डेटाबेस नॉट एडिट की जगह लिख देंगे डेटाबेस नॉट अपडेटेड ठीक है। और यहाँ जहाँ जहाँ क्रिएट लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट, इसको करना ज़रूरी नहीं है ऐसे, बट फिर भी देखने में अच्छा लगेगा समझने में इजी रहेगा इसके वास्ते। अपडेट सेम देयर, अपडेट सेम देयर, अपडेट एंड सेव ठीक है। अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चेंज करना है मैं बताऊंगा तुम्हें। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पोस्ट से डेटा आएगा सेम ठीक है, अपडेट का सेम। तो यहाँ पे अभी इसको इतना ही छोड़ देते हैं, पहले हमें इंडेक्स डॉट पी एच पी पे कुछ काम करना है। अगर मैं जैसे देखो इसको यहाँ पे ना करवा के मैं क्या करता हूँ,
मैं इसको करवाता हूँ, सेम पेज पे करवा देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म हमें पूरा दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इसको इसका टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट पी एच पी पर जाते हैं, और ये अपडेट डॉट पी एच पी की जगह यहाँ लिखते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी, एंड देन रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो तुम देखोगे सेम पेज के ऊपर ही आ रहा है अपडेट इज इक्वल टू 7। अब ये हमें चाहिए। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो इंडेक्स डॉट पी एच पी पर हम आते हैं और यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं। हम पहले उस फॉर्म के पास जाएंगे जिससे हम, ये रहा फॉर्म जो कि डेटाबेस ऐड करने में मदद कर रहा है। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं पीएचपी का, इफ इज सेट इफ डॉलर गेट अपडेट सेट है, ओके तो क्या हो, तो अलग फॉर्म शो हो, एल्स अलग शो। ठीक है, तो अब बेसिकली हम इस फॉर्म को उठाएंगे यहां से एंड देन कट करेंगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली क्या कर रहा है, हमने ये कहा है कि अगर अपडेट सेट है तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे ये शो हो, और अगर नहीं है तो ये वाला फॉर्म शो हो। तो अगर तुम देखो, अगर मैं यहाँ पे अब इसे रिफ्रेश करूँ तो हमें ये फॉर्म नहीं दिखेगा, पर अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये फॉर्म दिखेगा। तो हमने बस यही किया है, अपडेट की वैल्यू सेट है तो हम कोई और सा फॉर्म दिखाना चाहते हैं, तो हम अब दिखाएंगे इस वाले फॉर्म को। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे अपडेट डॉट पी एच पी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नेम की जगह अपडेट कर देता हूँ, ओके, एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट रिकॉर्ड एंड देन सेव, रिफ्रेश करता हूँ। तो तुम अब देखोगे यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, पर अभी हमारे पास डेटा नहीं आ रहा, तो हम अभी डेटा यहाँ से गेट करेंगे ताकि जो उसमें दिखे फॉर्म में डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्वेरी बनाएंगे जिसको मैं देता हूँ क्यू, टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे हम फिर से डेटा गेट वाला क्वेरी हमने जो बनाया है उसी को चलाएंगे, बस उसमें एक चेंज होगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड्स, यहाँ पे हम वेयर लगाएंगे, वेयर आई डी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं आई डी को जो कि हमें ऊपर मिल रहा है यूआरएल में, आई डी सॉरी डिलीट अपडेट में मिल रहा है हमें अपडेट, ठीक है, तो हमने यहाँ से वैल्यू गेट करा ली और इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे आई डी, ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड्स वेयर आई डी। अब मैं इसको यहाँ पे एक बार रन करा लेता हूँ, आर इज इक्वल टू MySQL आई क्वेरी, हम यहाँ पे पास करेंगे DB, हमें यहाँ पे दोबारा लिंक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है, क्यू क्वेरी रन। तो ये अब सिलेक्ट डेटा, अब हमें सिर्फ सिंगल डेटा चाहिए इसलिए हम यहाँ पे नॉर्मली D लिखते हैं और इसके अंदर MySQL आई एच एरे लिखते हैं, अब इसके अंदर हम पास करेंगे R, ठीक है। तो हम, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है पर तुम देखोगे अगर, तो ये वही चीज़ है जो हमने रीड करने के लिए यूज़ किया था, पर हम यहाँ पे सिंगल डेटा रीड करवा रहे हैं ना कि पूरा टेबल। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट R कर लेता हूँ, किसको, डॉलर D को, एंड देन सेव करता हूँ एंड देन रिफ्रेश करता हूँ। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ID जो 7 है इससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं शुभम सेट पे क्लिक करता हूँ तो तुम देखोगे शुभम सेठ का डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो या तो ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, मतलब अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इन सब का एक वैल्यू सेक्शन बनाना है, वैल्यू, और इसके अंदर हम शॉर्ट हैंड का यूज करके चीज़ों को स्टोर करा देंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो तुम देख सकते हो यहाँ पे शुभम ऑलरेडी लिखा आ रहा है, दैट्स गुड। यही चीज़ें हमें सबके साथ करनी है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, लास्ट नेम ईमेल आईडी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
तो तुम देख सकते हो, अगर मैं मोनोग्री पे अपडेट करता हूँ तो मोनोग्री का डेटा आ रहा है, शुभम सेट पे करता हूँ तो शुभम सेट का डेटा आ रहा है। तुम यहाँ पर समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे आईडी पास करवा रहे हैं, उस आईडी से डेटा गेट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे फील करवा रहे हैं। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो उसको चेंज करके अब हम अपडेट डॉट पीएचपी पे रिडायरेक्ट करवा देंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इस पूरे को कॉमेंट कर देता हूँ कुछ देर के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए कि क्या अलग है इसमें। और यहाँ पे मैं प्रिंट आर कर देता हूँ डॉलर पोस्ट को, ठीक है ठीक है। अगर मैं फास्ट हूँ तो आई एम सॉरी, और पीछे अगर नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए भी सॉरी, मैं गांव में इस वक्त सो गया। यहाँ पे लोगों को शांत रखना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं शुभम सेठ को शुभम कुमार करना चाहता हूँ एंड देन अपडेट रिकॉर्ड, तो तुम देखोगे अपडेट डॉट पी एच पी पे आ चुका है, यहाँ पे शुभम और लास्ट नेम कुमार आ चुका है और यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड सब कुछ आ चुका है। तो मैं अब यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, ठीक है, ये चीज़ें तो सेम रहेंगी ऊपर वाली, ये तीनों चीज़ें सेम रहेंगी, हमें अब चेंज करना है इस क्वेरी को, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस क्वेरी को यहीं छोड़ देता हूँ ताकि तुम देख पाओ क्या अलग है इसमें। मैं यहाँ पर अपडेट क्वेरी लिखता हूँ, या छोड़ने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास ऐड डॉट पी एच पी में तो होगा ये, तुम वहाँ से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट टेबल का नाम रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड्स सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इज इक्वल टू एंड ईमेल आईडी इज इक्वल टू ईमेल आईडी, ठीक है। ये अपडेट की क्वेरी है। अगर तुम्हें मैंने जैसे बताया क्वेरी में कंफ्यूजन है तो एसक्यूएल में जाना, यहाँ पे देखोगे अपडेट का सेक्शन, अपडेट पे क्लिक करना, देख सकते हो अपडेट रिकॉर्ड सेट आईडी इज इक्वल टू दिस फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ठीक है। अब इसके एंड में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम किसका करना चाहते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, वेयर आईडी इज इक्वल टू, बट रुको हमने आईडी तो पास करवाई नहीं है ना, यही कंफ्यूजन इसीलिए बता, देखो यहाँ पे आईडी हमने पास करवाई नहीं। तो हम बेसिकली अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक आईडी भी पास करवाएंगे। वो कैसे, तो वो कुछ ऐसे, हम बेसिकली यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड बनाएंगे, इनपुट टाइप हिडन, ये चीज दिखेगी नहीं फॉर्म में बट ये साथ में जाएगी, जिसके अंदर हम वैल्यू इसको नेम देते हैं आईडी, ठीक है, एंड इसको वैल्यू देंगे। मैं यहां से इसे कॉपी कर लेता हूं, आईडी की, ठीक है। तो अब हमारे पास साथ में ये डेटा आएगा, तो मैं यहां पे आता हूं वापस से और इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूं जो कि होगा आईडी, एंड यहां पे इसको मैं यूज करूंगा आईडी। तो इस चीज को हम देखने के लिए यहां पे प्रिंट आर करवा देते हैं वापस से एंड सेव। अब हमें वापस से पीछे जाना है, ठीक है, मोनोग्री का डेटा अपडेट करते हैं एक्चुअली अब हम, तो मोनोग्री को मैं मोहन करता हूँ एंड देन अपडेट रिकॉर्ड पे जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखोगे अब आईडी भी साथ में आ रही है, यही चीज़ हमें चाहिए थी, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हमें बेसिकली सेम चीज़ करनी है, बाकी आगे कुछ भी चेंज नहीं करना है। मैं इसको पूरा ऑन कमेंट कर देता हूँ अपडेट में। ये MySQL क्वेरी के अंदर हमने डेटाबेस और अपडेट क्वेरी पास की है, अगर ये हो जाएगा अपडेट रन तो ये इंडेक्स डॉट पी एच पी पे आ जाएगा, नहीं होगा तो डेटाबेस नॉट अपडेटेड शो होगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड ये यहाँ पे आ चुका है। अब तुम देख सकते हो मोहन का मोनू का मोहन हो गया। मैं मान लो शुभम है, शुभम सेट है, शुभम को मैं सुमन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सुमन लिखूंगा एंड अपडेट करूंगा, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे सुमन सेट हो गया। तो हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया चार फीचर को। चलो जल्दी से एक बार चारों फीचर को टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्रड का सी, क्रड मतलब क्रिएट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से
YouTube कुमार फनी नेम YouTube @gmail.com एड टू डेटाबेस। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे YouTube कुमार आ चुका है। दूसरा फंक्शन रीड ऑटोमेटिकली हो गया है। तीसरा फंक्शन एडिट, चलो एडिट करते हैं। YouTube कुमार को मैं YouTube शर्मा करना चाहता हूँ, मान लो शर्मा। अपडेट रिकॉर्ड YouTube शर्मा हो गया। लास्ट एंड फाइनली डिलीट, मैं YouTube शर्मा को डिलीट करना चाहता हूँ। बूम, डिलीट हो गया। तो हमने क्रड एप्लीकेशन बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बना लिया। और अगर तुम इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन माई ईमेल आईडी विच इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा। मतलब जाहिर सी बात है, मैंने उतने अच्छे से अगर नहीं समझाया, या इस अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इस ऐप को इम्प्रूव कर सकते हो, तो बिल्कुल करो यार। इस ऐप को जितना इम्प्रूव कर सकते हो करो, मुझे मेल पे भेजो या कहीं भी भेजो, मैं देखूंगा, ठीक है। और अगर बहुत अच्छा हुआ तो उसको अपने चैनल पे दिखा भी दूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी टॉपिक, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो नीचे कॉमेंट करो, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अपने तुम इसे ट्राई करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों फाइलों के लिंक है, एक है जो सिर्फ फ्रंट एंड है, एक है जो बैक एंड फ्रंट एंड, दोनों है। तो तुम पहले फ्रंट एंड को डाउनलोड करना, खुद ट्राई करना, खुद बनाना, नहीं समझ आए देन तुम बैक एंड फाइल्स पे जाना, देखना कि अच्छा ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये कोर PHP का यूज़ करके हमने बनाया था। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, मज़ा भी आया होगा इस चीज़ को सीखने में। इस चीज़ का तुम यूज़ बहुत जगहों पे कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें हम ये बेसिक फंक्शंस का यूज़ करेंगे, क्रड का यूज़ करेंगे। इसलिए मैंने ये पहली वीडियो चैनल पे यही बनाई जिसमें मैंने क्रड को एक्सप्लेन किया। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाओ प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे जितना इस चीज़ को इम्प्रूव करोगे। जरूर नहीं मैंने सब कुछ बताया, हो सकता है मैंने कोई चीज़ खराब तरीके से बताई, तुम गूगल कर सकते हो उस चीज़ को बेटर तरीके से समझने के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप कोडिंग। बाय बाय।